तो ज्यादा अच्छा है, क्या चुपचाप लेते रहो, चुपचाप चुपचाप, हाँ हाँ चुपचाप चुपचाप, चलो शाबाश। अब इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो, बोलो पवित्र आत्मा आज का वचन मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? अपनी बाइबल खोलें सब, फटाफट जल्दी से बाइबल खोलें। मैं फिर कह रहा हूं कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग जब तक तरक्की नहीं करते जब तक परमेश्वर नहीं चाहता, अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहेगा। पहला योहन्ना उसका 1:3, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहला योहन्ना 1:3, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, हाँ सुनो, पहला योहन्ना, सब लोग अपने स्थान पर बैठो, हाँ सब बाइबल खोलें और ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आप डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए। बेटे दान लेना बंद कर दे, छोड़ दो छोड़ दो, 5 मिनट बाद दान लेने जाना आराम से, कोई बात नहीं, वचन के बाद जाना, जिन्होंने नहीं डाला इनकी गलती है, जिन्होंने डालना है वो अपने आप आएंगे आज और डालेंगे अपनी बरकत के लिए, ठीक है। या मेरे पास नहीं, पीछे जाकर लो, पीछे लो जान, ये एरिया छोड़ दो आप इनको इन, लेकिन जो दान नहीं डालता वो कभी आशीषित नहीं होता। दान डालने वाले लोग आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अच्छा सुनो, ऐसे ऐसे कौन है, सुखजीत, सुखजीत, सुरजीत, सुखजीत, ले नहीं नहीं ले, लेडीज की बात कर रहा हूँ, सुरजीत नहीं, सुखजीत, क्या नाम है, सुखजीत, सुखजीत, हाँ क्या नाम है, हाँ तो उठो ना, बस लेडीज की बात कर रहा हूँ, लेडीज की, बैठो इधर आ सामने, हाँ इधर आ, इधर उधर चल, उसके पांच चल दौड़ के, इधर मत छेड़, हाँ उधर चल दौड़ के, चलो इकट्ठे हो जाओ, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुखजीत, और आप लोग जितने भी और भी कोई लेडीज है यहाँ पर सुखजीत हाथ उठा सकती है, लेडीज लेडीज लड़की, बस वहीं खड़ी रहे, आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप दूर से भी देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, आप डेट डालो, टाइम डालो, महीना डालो, अक्टूबर के महीने में आपको एक बड़ी टेस्टिमनी मिलेगी यीशु मसीह का। आमीन। आप फौरन ब्लू सून सुखजीत, yes, फौरन जाना चाहते हैं, yes, पापा जी, हाँ परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है, आमीन, सुनो गुड न्यूज मिलेगा, आमीन। कहाँ जाना चाहते हो, इटली, इटली, हाँ जी पापा जी, मेरी बेटी का मेरी पासपोर्ट बनना है। आप इटली नहीं जाओगे, आप 28 कंट्रियों में जाओगे, पूरे यूरोप में, हालेलुया, बस आपको पम्मी के लिए प्रार्थना करना है, परम जीत के लिए, यस ठीक है पापा, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वो आपको जानता है, सुनो सुखजीत, सुनो बेटे सुखजीत, बेटा किसके पास नहीं है, मेरी मासी को, हैं मासी के पास, उसको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, और आपके पास हैं, सुखजीत आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली में मासी को, मासी को उसको गुड न्यूज दो, कहाँ पर रहती है वो, फरीदकोट शहर, परमेश्वर गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, में राती राती सपने चाहे सी दो बारी पापा जी, तुसी कह रहे सी कुलदीप, कौन है कुलदीप, रुके हुए काम पर, कुलदीप राजू, कुलदीप किसको जानते हो आप, नहीं नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्लू सूट आपके बाजू में है कोई, कुलदीप और राजू, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, और आपके पड़ोस में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि वो ड्रीम नहीं, कहता है कि कुछ चीजें आपके नेगेटिव हो रही हैं, और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय वो बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितके भी नाम सुरती है मैंने बताया अभी, परमेश्वर का आत्मा, हाँ बोलो क्या कह रहे बेटे, बताओ प्रभु जी, बहन बता रहे हैं इनके, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय इनको छू और ब्लेस कर। देखो वो ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे थे, अब वो निकल रहा है, पार जाए यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे इनके परिवारों को, चल छोड़ दे इस लड़की को, आउट निकला बाहर, चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री, इसके माइंड को छेड़ रही है, इसको याददाश्त कमजोर कर रही है, जो मैं इसको बोल रहा हूँ इसको याद नहीं आने दे रही, और अभी थोड़ी देर में खड़ी होगी कि ये सारी बातें मेरे साथ थी,
जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। जलाली यीशु नासरी दा नाम है, जलाली ओदे कमने। अपने अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर यहाँ पर है। विश्वास करना जल्दी से। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। और वो मैनेज पर मैनेज करते हैं, वो अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोड़ दे, कुछ नहीं करना, नीचे बैठ जाओ। और इसी समय अब उसको याद आ रहा है बाद में, मुझे पता है, हाँ बैठ जाओ। और इसी समय परमेश्वर का वचन शुरू हो गया, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी घर, गाड़ी, बच्चों, परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी किस्त भरना चाहते हैं, बिजली का बिल देना चाहते हैं, उनको हर रोज घर से निकलना पड़ता है। रोज आदमी लोग घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर घुसते हैं, वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मैनेज करने में, कि अपने घर को बना कर रखें, अपनी गाड़ी को किस्त जाती रहे, वो काम पर काम करते हैं, अपने मैनेज पर मैनेज करते हैं, लेकिन निराशा उनके हाथ लौटती है। कई बार आप मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पर अचानक एक ऐसी विपत्ति आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने बहुत कुछ मैनेज करके बहुत कुछ जोड़ दिया हो, लेकिन अब वो सब कुछ डाउन हो गया हो, डाउन प्रॉब्लम आ गई हो। हो सकता है कि आपका जो बहुत जोड़ा था, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी, लेकिन सब कुछ फेल हो गया है। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं, आपने जो खो दिया वापिस पाना चाहते हैं कि नहीं, तो आप आज अपनी डायरी कॉपी नोट कर लो। आज जो मैं बता रहा हूँ उस बात को नोट कर लेना, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लो। आज पवित्र आत्मा मुझे कहा है कि आज जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए आज बहुत कुछ करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए मैनेज करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, एक जगह लिखा मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन एक जगह लिखा तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए परमेश्वर ने। आज मुझे कहा इन लोगों को, कह रहे कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, उन लोगों को। कितने लोग चाहते हैं कि आज तक आप मेंटेन करते आए कि मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ जाए। आप बच्चों को स्कूल तैयार करते हैं, उसके दिमाग को तैयार करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे कि आज से सब चीजें मैनेज होने लगेंगी अपने आप। लेकिन बस ध्यान देना है, पहला योना 1:3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जो कुछ हमने देखा और सुना है, हाँ, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। नहीं नहीं नहीं, तीसरा योना, थर्ड योना, तीसरा देखेंगे हम, हाँ, उसका। क्योंकि जब भाइयों ने आकर, हाँ, तेरे उस सत्य की गवाही दी, हाँ, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं भी बहुत आनंदित हुआ। हाँ हाँ, पढ़ना आगे क्या लिखा। मुझे भी इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पता नहीं क्या पढ़ रही है, सेकंड पढ़ूं अपन, सेकंड इसका। हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। सेकंड में लिखा, तीन का तीसरा योहन्ना 1:2 में लिखा, हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फिर से पढ़ा गे, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोला हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो कह रहे हैं कि तू हर बात में उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। हर एरिया में तू तरक्की करे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। कहता है ये नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है, लेकिन आपका बिजनेस इंग्लैंड में खराब हो गया है। आपका एक बेटा कह रहा इंग्लैंड में है, लेकिन एक बेटा अमेरिका में खराब हो गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे सारे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल एक जगह पर कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेगी, परमेश्वर कभी भी एक जगह पर ऊंचा नहीं करेगा इंसान को। कह रहा कि जब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर बढ़ाए और दूसरे स्थान पर घटा दे। परमेश्वर कह रहा है कि वो एक को नहीं, आपके पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए आया हुआ है इसमें। वो कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ने आत्मिक उन्नति कर ली है। लोग सोचते हैं शायद मेरी आत्मिक उन्नति यही है। वो लोग बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा प्रचार करना सीख गए होंगे, आप मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करना सीख गए होंगे, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति है, लेकिन कह रहा
रहा है कि तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कहता है कि अपने स्वभाव में उन्नति करे, अपने आत्मिक लाइफ में। अगर आपका आत्मिक लाइफ उन्नति करता है तो पक्की बात है कि आपकी तरक्की होगी। लेकिन यह भी पक्की बात है कि जब आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, करें कि उसी समय आपकी सब चीजों में तरक्की रुकने लगती है। आपका बैंक, आपका पैसा, आपकी हेल्थ घटने लगती है। इसका मतलब कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आप लगे हुए मेंटेन करने पे अपनी गाड़ी को, अपने फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। आप रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, एक एक्सरे कराया, दूसरा कराया, दूसरा डॉक्टर छोड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा। करें कि लोग डॉक्टरों को एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। करें एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, तीसरे भाई से उधार लेना पड़ा, कर्जा उतार रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं एक दूसरे की। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि लोग अपने आप को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं। लेकिन आज जितने लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करना सीख गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ रहा है। कहता है लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके चरित्र की उन्नति भी चाहता है परमेश्वर। आपने एक उन्नति सीख ली है कि प्रार्थना करना है, बस आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ना है, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहते हैं कि आपके चरित्र के अंदर पाप नहीं होगा। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। सब मैनेज हो जाएगा, आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आमीन। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कम आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखें फटाफट, पहला राजा 17:6 में देखो क्या लिखा। Yes. जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ में ना बोलो, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था, वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो, आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और उस वो हमेशा दो टाइम, अपनी तीन टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा तो वो समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था, लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर करा मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है। लेकिन इसको भूख लग रही थी, परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया। कहता है कह रहा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में, और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे देखो क्या लिखा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूरम में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते, परमेश्वर कहता है तू जा दुबई चला जा, और आप कहते ना ना मैं तो अमेरिका जाना, परमेश्वर कहता जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा, आप आगे से जिद करते हैं। परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके फंस गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं, लगे हुए हो बाहर जाने के चक्कर में। परमेश्वर कह रहे हैं अगर मेरी बात मानकर करा गंदे सी कंट्री में भी बैठ जाएगा, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, करा वहां भी मैं सवेरे शाम करा एक कक्के को भेजूंगा तुम्हें रोटी खिलाने के लिए, यीशु मसीह। बस मानना है, आप
आपके लिए फाइनेंस का मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसकी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एलिया ने क्या किया, एलिया परमेश्वर की बात मानकर और नाले में जाकर बैठ गया। देखो नाले में बैठता कोई, कितने लोग मेरी बात मानेंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था, मानेंगे मेरी बात, जाओ फिर आज तुम अपने घर के बिल्कुल बाजू वाले गंदे गटर नाले में बैठ जाओ, जाओ। है विश्वास? है विश्वास? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना कर रहा, ये नहीं वहां जाके बैठ के हेलो आएगा कि नहीं पादरी बजिदार, आया नहीं प्रभु, फोन करके पूछ रहे हैं, वहां पर बैठकर प्रेयर करके देखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां भी तुम रहते हो, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं से देख रहे हो, हैदराबाद, कहते हैं आज रात परमेश्वर आपके लिए कग्गा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक कौवा ब्रेड लेकर आएगा आपके लिए, वो आपके लिए रोजगार लेकर आएगा, वो एक एंजल है, वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर जाएगा आज रात। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल दिया है, आपने अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लिया है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात भेजेगा आपके पास सवेरे भी शाम भी। करे ब्रेड नहीं, मैं याद रखना, कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ, ब्रेड नहीं, करे करोड़ों रुपया भेजेगा आपके पास। मैं कौन में बात कर रहा हूँ, आपकी हेल्थ के लिए एक एंजल भेजेगा, सवेरे शाम आपको प्रोवाइड कराएगा अच्छा खाना, जो आप चाहते हो परमेश्वर। आप दो टाइम के लिए भाग रहे हो, पेट के लिए भाग रहे हो, दो टाइम के लिए भाग रहे हो, एक मजदूर से पूछो वो दो टाइम के लिए भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके घर में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए। कह रहा है दो टाइम का खाना क्या, तीन टाइम का खाना सपड़ेगा नहीं, याद रखना, खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्याज, कह रहा कुछ लोग करते हैं मसीह लोग भी प्याज खा के घंटा खा के वो रोटी क्या बोलते हैं, शायद रब नु आज यही मंजूर छिगा गुरदासपुर वाले, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूँ चाहे आप अमृतसर के हो चाहे कहीं के भी हो, लोग करते हैं कई बार ऐसा, घंटा खाया, घंटा समझते ना यूपी में बोलते घंटा, प्याज पंजाबी में प्याज बोलते हैं, हिंदी में जो भी प्याज, प्याज खाया और सो गए, आप कहते हैं खुदा की यही मर्जी आ रहा है, नहीं परमेश्वर की मर्जी ऐसे नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है मेरे बच्चे एक टाइम में एक सब्जी नहीं, चार चार सब्जियां थाली में डालकर, वो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता है, वो आपको मेंटेन रखना चाहता है, आपको स्वस्थ रखना चाहता है। ये नहीं कि आप सवेरे आपकी कमर में दर्द हो रहा है और शाम को आपकी टांग में दर्द हो रहा है, कल आपकी फिर सवेरे कर गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर आपके कान में दर्द हो रहा है, फिर आपके नाखों में से नासों में से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, आपके गले में से उल्टियां आ रही हैं, आपको फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं, नहीं, परमेश्वर कहता है सवेरे और शाम कह रहे मेरे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आपको फायदा उसको लेना है, कह रहे परमेश्वर का कहता है कि वो आत्मिक उन्नति कराना चाहता है। और इसी समय एलिया के पास खाना खिलाया, और इसी समय डॉक्टर के पास हो सकता था, डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर उसको क्या सलाह देता, वैद्य उस समय में एलिया को क्या सलाह देते, अरे तेरा दिमाग खराब है, नाले में बैठ गया, गंदा पानी पी रहा, पथरी हो जाएगी, इतने मोटे मोटे पत्थर हो जाएंगे तेरे पित्त में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और क्या और एलिया क्या करा होगा, एलिया कराएगा गलत डॉक्टर तुझे नहीं पता, कहता तेरे को नहीं मालूम, करा हम गंदा पी ले चाहे कैसा भी पी ले, जहां मर्जी बैठ जाए, हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में, हम आत्मिक जीवन जीते हैं। आपकी किडनियां, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जाकर स्कैन पर स्कैन करा रहे हैं, एक स्कैन दूसरा एक्सरे तीसरा एक्सरे कराई जाओ, परमेश्वर का आत्मा करे वो एक्सरे करे जब तक होते रहेंगे, जब तक आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। करें कि अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है, मैं कह रहा हूँ आज रात आप तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। एक राजा था बाइबल में, और वो राजा परमेश्वर का भय मानता था, थोड़े दिन के बाद उसने परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया। उसने क्या किया, करें कि वही काम उल्टे सुलटे काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ ठगियां, मारपीट, व्याभिचार, नशा, हर चीज, मूर्ति पूजा, हर चीज वो उसमें बिलीव करने लगा, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा, और एक दिन उसके पैर में बीमारी हुई, क्योंकि उसने अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया था, वो सही रीति से नहीं जी रहा था, और उसी समय वो मर गया। लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ एक राजा के बारे में, दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में, जब हम देखते हैं यहाँ पर मनशे नाम का एक राजा है, हिजकिया ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, आप जानते हैं हिजकिया राजा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन जो उसका लड़का आगे हुआ मनशे, इसने क्या किया, इसने कह के परमेश्वर की नज़र में बड़े गंदे गंदे काम किए, इसने बड़े लोगों को कह रहे कि नबियों को मरवा दिया, इस व्यक्ति ने कह रहे कि मूर्तियां बनाई, और कह रहे कि मंदिर के अंदर अपनी फोटो बनाकर लगा दिया,
बहुत सारे लोगों के सामने अपनी फोटो लगा दिया कि मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है तभी तो उसने मूर्तियां लगवाई होंगी। कह रहा है यदि वे सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूंगा जो देश मैंने इसराइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर कर निकल कर मारे मारे फिरे। आगे नेक्स्ट कर नो में, परंतु उन्होंने ना माना पर मनशे ने उनको यहाँ तक की भटका दिया, उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई किया। इस व्यक्ति ने इतनी बुराइयां किया और कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को मरवा दिया, मतलब गलियां खून से रंग दी। इस व्यक्ति ने कह रहे इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध एक दिन इसके ऊपर आया। और उसी समय क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इसका करैक्टर सही नहीं था, आत्मिक जीवन सही नहीं था, ये बोल बाणी इसकी सही नहीं थी, इसका व्यवहार सही नहीं था, ये व्यक्ति करें के पाप में बिलीव करने लगा और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है। और उसी समय अशूर की सेनापतियों ने करें कि क्या किया कि द्वारा परमेश्वर ने इसको पकड़वाया। और उन्होंने जब हम देखते दूसरा इतिहास उसके 33:11 में के लिखा कि इसको सांगलों से पकड़ कर ले गए, इसकी नाकों में भी करे सांगलें लगाई गई, इसके हाथों में भी संगल लगाई गई और इसको जेल में डाल दिया। इसी में दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास 33:11 में लिखा, हाँ देखो पढ़ो क्या लिखा। तब यहोवा ने उन अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब नशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है ये व्यक्ति ने कितनी बर्बादी की, मतलब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा था और क्या हुआ, और इसी समय इसने लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि कह रहे कि बहुत बुरे बुरे काम किए इसने जिसकी चर्चा बाइबल में नहीं लिखी हुई है। आप समझ रहे हैं, कह रहे इसने बुराई किया, संतों की बुराई किया, सब कुछ किया इसने। और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ा और ये जेल में पड़ा और इसी समय जेल में पड़कर ये पश्चाताप करने लगा, उन दिनों को याद करने लगा और परमेश्वर का भय मानने लगा। लिखा कि जब इसने पश्चाताप किया, जब ये दीन हुआ, जब इसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाया और इसी समय माफी मांगी, पवित्र आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला और जिस स्थान पर ये दोबारा बैठा था, राजा था, उसी स्थान पर दोबारा से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं। कहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बर्बादी हो या आबादी हो, आप बर्बादी चाहते हैं कि आबादी चाहते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर आत्मिक जीवन बना के रखना है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है कि नहीं। कहता है इस व्यक्ति को कर समझ में आ गया कि जितनी बार मैं पाप करूंगा, जब तक मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा तब तक कर के मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना सीख लिया। मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जब आप अड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से काम करना शुरू करता है। मैं उन लोगों के लिए आज कह रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो, आज बोलो कि आज परमेश्वर आत्मिक जीवन सही करूंगा मैं। परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके हालात कह रहे हैं कि आज रात के बाद चेंज होने लगेंगे, आपका बिजनेस चेंज होने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा अगर आपने आत्मिक जीवन को सही किया। देखो इस व्यक्ति ने अपने आप मेंटेन किया, बड़ा अपना राजा राजा बनाइए, और इसने 2 मिनट में अपने करैक्टर को खराब करके, अपने आत्मिक जीवन को खराब करके जीरो हो गया। ये फिर से जेल में चला गया। जब ये जेल में गया उसके बाद इसने माफी मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने, हो सकता था परमेश्वर इसको वहां ना बिठाता, अगर परमेश्वर मनशे को दोबारा इतने पाप करने के बाद, इतनी बुराई करने के बाद फिर से उसको राजा बना सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई बुराई की हो, या ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो अपनी जिंदगी में कोई भी पाप किया हो, लेकिन आज यहां बैठकर परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं आज से पछताता हूं, अपने मन में कहो। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो चीज आपने खो दी है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट होगी हो, आपके परिवार में कड़वाहट होगी हो, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके बैंक बैलेंस में, कर आप मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन कुछ ना हो रहा हो, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कर आज रात से कर आपका बिजनेस मैनेज करने लगेगा परमेश्वर, आपके हेल्थ को मैनेज करने लगेगा, आपका स्वास्थ्य चंगा होने लगेगा। कर मैं चाहता हूं तुम सब बातों में उन्नति करो, कर मैं चाहता हूं तुम हर एक क्षेत्र में
नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति करो। परमेश्वर कह रहा है कि हर क्षेत्र में, ये नहीं कि आपकी सिर्फ स्कूटर ठीक है, आपका कार ठीक है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं है। आपका बच्चा ठीक है और आप निकले घर से बाहर, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आपके घर का माहौल आज रात के बाद सब मैनेज हो जाएगा। जाकर देखना आज रात के बाद, आपकी पत्नी मैनेज होगी जो कहना नहीं मानती, आपका पति मैनेज होगा जो शराब पीता है, आपका रिश्ते नहीं आपकी बात नहीं मानते। औरतों को एक ही बात का दुख है, बस साडा पति साडी गल नहीं सुनता। लेकिन कह रहे हैं कि आज के बाद वो सुनेगा, आपकी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बस आपको आत्मिक जीवन जीने है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 103 बोलती है, कह रहा है कि हे हमारे, हे प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर। हालेलुया, कि तू ही तो है जो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करता है। पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर वो मनसे के पाप क्षमा कर सकता है, बस अपने जीवन में आपको अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में, अपने लेवल को, अपनी आत्मिक उन्नति के लेवल को आपको मेंटेन रखना है। रखना है कि नहीं? yes. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका जो भी कर बिजनेस है, आपकी हेल्थ है, आपका बच्चे, आपके परिवार, आपका फाइनेंस, कह रहा आज रात के बाद मेंटेन होने लगेगा अपने आप। अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी, कुछ भी, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका सब कुछ मेंटेन होने के लिए जा रहा आज रात। क्या आप तैयार है मेंटेन कराने के लिए? हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, खुदा को धमकी देते हैं। धमकी, मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा प्रभु कैसे? कहते कुछ लोग धमकी देते हैं। कितने लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को? हाथ उठा के बताओ। नहीं नहीं, आपको आज पता लगेगा आपने बहुत बार धमकी दी है परमेश्वर को। परमेश्वर को धमकी दे सकता है कोई? कई बार लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर अगर जे मेरा वीजा नहीं लगे ना बाहर का इस बारी, ते मैं तेरे चर्च नहीं आना। धमकी है भाई साहब। कह रहे रब तेन कहता मैं 3 बारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया, जिस बार नहीं लगी ना मम्मी कह दी अपने पास्टर नु मैं नहीं जाना चर्च। धमकी है ये, आप समझ रहे हैं? मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, तो परमेश्वर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है जा, तेरे कहने से, तेरे धमकी देने से मेरा स्वर्ग हिलने वाला नहीं, मेरी कुर्सी हिलने वाली नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। कह रहा कि मैं, कह रहा उन लोगों को फेवर करता हूँ मैं, शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ आज, जो आमीन बोल रहे हैं इस बातों पर। आमीन। शारीरिक लोग, कह रहा शारीरिक लोग जिस दिन तरक्की करते हैं, कह रहा जिस दिन वो आत्मिक हो जाते हैं। आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आज भी आप लोग करे अड़े रहोगे कि नहीं 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 ऐसी बोल रहा है पादरी, ऐसी बोल रहा है, करे कि आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, कोई हेल्थ, कोई परिवार, कोई जन, कुछ नहीं ठीक होने वाला, कोई बिजनेस, आप लगे हुए हो सालों साल से लगे हुए हो, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक उन्नति करने लगोगे, परमेश्वर के सामने कोशिश करने लगोगे, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो रिजल्ट देख रहे हैं। आमीन। पहला इतिहास 22:14 में मैं बता रहा हूँ, पहले आप अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, बाकी चीजें सब ठीक होती चली जाएंगी, सब ठीक होती चली जाएंगी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड करेंगे तो आप धन की आशीषों में भी स्टैंड करेंगे। आपको स्पिरिचुअली में स्टैंड करना है अपने आप को, कि अपनी बातों पर खड़े रहना है, आपने अपनी जुबान जो आपने फैसले लिए उस पर खड़े रहना है आपको, कि परमेश्वर कि मैं नहीं डिगूंगा, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है वो करूंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग देता है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, एक चरवाहे को, उसको क्या किया परमेश्वर ने, उसको राजा बना दिया। कब? जब वो परमेश्वर के पास आया, उसका नाम दाऊद है। और देखो दाऊद के ऊपर जब संकट पड़ा तब उसके पास, मतलब अगर परमेश्वर दाऊद को इतना पैसा दे सकता है तो आपको कितना देगा? आज रात मैं कह रहा हूँ एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है, वो अगर प्रभु में आकर फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? अपने पड़ोसी को बोलो तू फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है। बोलो अपने पड़ोसी को कि तेरा फाइनेंस बढ़ेगा आज रात से। हेलो, मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोला कि तू एक दिन करोड़पति बनेगा। फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। मसीह लोग शराब देते हैं लग जाता है, आशीर्वाद देते हैं हाथ मिलाकर लग जाता है चर्च। आमीन। आपने लगाया आज आशीर्वाद किसी के ऊपर। इसी में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जरा। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय, दाऊद कह रहा है मैंने अपने क्लेश के समय में दान दिया। क्लेश के समय में आपने जब दान दिया, जब आप सुखी होते हैं तब दान करते हैं। दान जब देखा जाता है जब आप क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं,
लेकिन क्या कह रहा है वो? हाँ, क्या कह रहा है? मैंने अपने कलेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किकार, स्क्रीन पर दिखा, हाँ हाँ हाँ, 1 किकार सोना और 10,00,000 किकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है और लकड़ी। सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है मैंने कलेश के समय में भी दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए 1,00,000 सोना और 10,00,000 चांदी, मतलब कितना धनी हो गया वो। कब? कारण इतना धनी कैसे हो गया? एक चरवाहा भेड़ बकरियां चगाने वाला, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में ध्यान दिया था कि मैं आत्मिक में आत्मिकता में कहां खड़ा हूं। वो डेली ध्यान देता था, डेली, एक दिन नहीं, वो डेली ये सोचता था कि मैं परमेश्वर कहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं मैं, मैंने आज क्या गलती की और क्या नहीं किए। अगर आप इन चीजों पर डेली ध्यान देने लगे, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा, आपकी गवाहियां आने लगेंगी, आपका हेल्थ मैनेज हो जाएगा, आपके बच्चे टॉप करने लगेंगे, आप घर से निकलते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पादरी हूं, मैं 2008 से प्रभु में आया, लेकिन 2008 से लेकर 11 तक मैं लड़खड़ाता हुआ प्रभु में आया। लड़खड़ाता समझते हैं? लड़खड़ाता समझते ना, जैसे बच्चा नहीं होता, उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन 2011 से उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं देख रहा हूं कि 2008 से लेकर 2011 तक मुझ पर ताने मार रहा है मेरा डैडी, मेरे ही रिश्तेदार, कहते कि मसीह में जाने से तुझे क्या मिला, आज भी तू वहीं का वहीं है। और इतनी मैं कोशिश करता, कभी मैं एक बिजनेस करता बाहर भेजने का, कभी मैं बॉम्बे चला जाता प्लाई बोर्ड करने का, मैं फौज की नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ी बड़ी चीजें बिजनेस किए कि इससे पैसा कमाऊंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, प्रार्थना करके भी घर से निकलता था, लेकिन कारण क्या था? बाइबल पढ़ के भी निकलता था, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप आदमी था मैं, कुछ नहीं हो रहा था। प्रार्थना भी करने जाता था लोगों के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए, लेकिन खुद का आत्मिक जीवन ठीक नहीं था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मिक जीवन, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्वभाव हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है, हम कैसी बोलबाणी करते हैं, हम कैसा स्वभाव रखते हैं, आपके अंदर क्या चलता है क्या नहीं परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं? आप शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हैं? आप शॉर्टकट बनना चाहते हैं अमीर? आपको कोई पसंद आ जाता है आप वहां गिर जाते हैं, जहां शराब का ठेका देखा वहां जीव, जहां बीड़ी का बंडल देखा भाई, जहां सोनी सी अंग्रेज नहीं देख ली, क्या कहूं। हां, सही कह रहा हूं, लेक्चर है ये आपके लिए, उन लोगों के लिए। लोगों को अपनी पत्नी भूल जाते हैं, दूसरे की पत्नी याद आ जाती है। सही में कह रहा हूं, ये चीजें गड़बड़ी का, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, उसने साफ कहा, इसके अंदर कहता है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, पता है मुझे बेटा लाल क्या कर रहे हो, मगर लाल के असीन सपने, कह रहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो कह रहा मुझे पता है आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रार्थना में आप चर्च आए हो, ये चिट्टे कपड़े पहनने से आप आत्मिक नहीं लगने वाले, यहाँ पर टाई लगा के आप ये नहीं लगने वाले कि आप बहुत भक्त हैं, या तिलक लगा कर दाढ़ी लगा रखकर आप ऐसे भक्त बन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है भक्ति वो जब आपके अंदर सुधार होने लगे यीशु मसीह के नाम में, कहता हूँ उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कहता है सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, मैं बहुत लोगों की सुनता हूँ, पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, अभी मैं नया नया था और चीजें, मैं कहता हूँ उधर मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो जाती, उधर कोई मेरा मकान गिर जाता, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज लड़कियां या लड़के आकर चर्च में बताते हैं पापा हम जब प्रार्थना करते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि मन में कुछ कुछ चलता है, कुछ 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 कुछ, एक फिल्म आई थी वह कुछ कुछ होता है। हाँ, अपने मन को कंट्रोल करना है आपको, अपने मन को, आपका मन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तो आप उन चीजों को ना देखें जो व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर आप देखते हैं, फेसबुक पर ऐसी कॉमिक्स, ऐसे कार्टून बच्चों को रोकने, कहता आपको पढ़ना नहीं है वो चीजों से, अपने आप को दूर करना है। कहता आपने अगर एक साल भी आपने आत्मिक जीवन को हटा कर रखा उन संसारिकता से, मेरे कहने का मतलब है संसारिक चीजों से आप दूर रहे, कोई शराब पी रहा उसके साथ बैठ गए, मामा शराब पी रहा, ताऊ चाचा पी रहा, चल यार पी ला, दिखा किता पींदे हैं, वो गालियां बक रहा, हा हा चुटकले छोड़ रहे हो, वो माँ बहन की गालियां दे रहा है और तुम वहां पर बैठ कर ठट्ठे उड़ा रहे हो, इसका मतलब उसको कह नहीं रहे हो। अगर उसके मुंह से गाली निकलती है, पहले एक सांस में मैं 50 गाली देता था, मैं था वो बंदा, 2008 से प्रभु में आने के बाद 11 तक मैंने गालियां ही दी हैं प्रभु में आने के बाद, तो उसका मतलब क्या हुआ, आत्मिक उन्नति कहां गई, वहीं रही, क्योंकि स्वभाव है ना, हमारे स्वभाव में गालियां हैं,
हमारे स्वभाव में गाने थोड़ी सी गल होनी, अब अब बस तुम्हें पता कौन सी निकलती है। लेकिन आत्मिक उन्नति रुक जाती है, एक दिन गाली दी तो आपके बैंक में से 1000 तो गया पक्का, ऐसे ही सुधरोगे तुम। हाँ, कहता ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा कर सकता है, आपको भी सीधा कर सकता है, क्योंकि वो उसको प्यार है आपसे, आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो आपको फिर वही देखना चाहता है, वो आपको फिर से आशीष देखना चाहता है, वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, टुकड़े नहीं मांगने देना चाहता वो किसी के सामने आपको। कह रहा है मसीहत वो, सुनो याद रखना ये बात, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर गड़बड़ी का जीवन नहीं पसंद करता। अगर आप गड़बड़ में हैं तो अपने आप को चेक करना, मैं बताऊंगा गड़बड़ी कैसे चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर 2011 आ गया, अब तक मैं कब लोगों की नामधराई सुन रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, करा अपने आप को ठीक कर। 2011 से लेकर 13 तक परमेश्वर ने मुझे चेक किया, 3 साल, और 14 तक चेक किया। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया 15 में, और उसके बाद मैं सेवा में गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं जाता था, पीछे खबर आई कि तेरी लड़की छत से गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैनेज करेगा, ऊपर वाला है, यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर ने कहा करा के उस समय में मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, और कपूरथला के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग वहां पर थे, और मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, और किसी ने कहा डॉक्टर करा आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, आत्मिक कुश्ती लड़ रहा हूँ, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, परमेश्वर तू मैनेज करेगा, पवित्र आत्मा मैनेज करेगा। मैंने कहा अरे वो मैनेज कर रहा है, और 15 मिनट के बाद ही फोन आता है, वो दोबारा से बताता है, स्टेज पर ही बता रहा है, कहता है ओके है सब ओके। आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने ओके कर दिया। वो मेरा ड्राइवर नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, राजेश चौधरी, पूछ लो उससे। दूसरा, उसी चर्च में जिसकी मैं गवाही दे रहा हूँ, वहां पर एक लड़का मरा हुआ लेकर आए और कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो आज करा के उस समय में उसको स्टेज के पास डाल दिया, बड़ी भीड़ थी वहां पर, और मैंने उसके ऊपर अपनी चद्दर रखी। मैं उस समय कुर्ता पजामा पहनता था, मैंने चद्दर रख दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर चद्दर रखी, वो लड़का सबके सामने स्टेज पर चलने लगा, जिंदा हो गया वो। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैनेज करना जानता है आपका आत्मिक लेवल। पहले मैं प्रार्थना करता था, लोगों की सिर पकड़ पकड़ के उनको हिला देता था, इसका सिर लगता है शायद, मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक हो रहा, तो कम से कम ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्या पता मम्मी कहती है दबाने से भी ठीक हो जाता। मैं कहा ठीक हो जा, इतनी जोर से दुआ करता था उनके सिर पर हाथ रख के, कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज ना हो रहा हो, कुछ भी काम ना चल रहा हो, बस आपको परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आज रात आपके घर में सब कुछ मैनेज होने लगेगा। आमीन। मैं गया फिर एक बार और प्रचार में, तो एक जगह पता लगा, कह रहे कि सांप आ गया बेड पर, और मेरी बेटी छोटी थी एक, कह रहे कि और सांप आ गया। मैंने कहा, और फोन आया, कह रहे कि पापा सांप आ गया, सांप आ गया। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर मैनेज करेगा बेटे, डांट दो उसको। चला गया, बच्ची अकेली है, घर में कोई नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा मैनेज करता है। याद रखना, जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, उसका सब कुछ मैनेज करने का ध्यान मेरा परमेश्वर करता है। याद रखना, आमीन, सब कुछ मैनेज करेगा, ये पवित्र आत्मा है आपके। लेकिन वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक लड़का आया और आकर कहने लगा मुझे, कई साल पुरानी बात है, कह रहा पापा मैंने ना सपना आया, ए कुड़ी दे नाल ना मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा हैं, कहता मैंने सपना आया, परमेश्वर ने मैंने कहा कि ए कुड़ी नाल, कहते मेरा तू ब्याह कर ले। मैंने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा फिर उसके माँ बाप मान रहे हैं? कहता नहीं, उसके माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने कहा परमेश्वर वहाँ नहीं है जहाँ तू सोच रहा है। हालेलुया। और लड़की उसकी बातों में आ गई, कहती अच्छा ठीक है, माँ बाप के पास चले गए, आजकल क्या चल रहा है ये? अरे आपकी बेटियां होंगी, आपको पता लगेगा क्या चल रहा है ये। लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने आप जाते हैं और जाकर रिश्ते करने लग जाते हैं। जिस रिश्ते में माँ बाप नहीं है वो आशीषित नहीं है। जिस रिश्ते में माँ बाप हैं, अगर मैंने उसको कहा अगर उसके माँ बाप मान जाएं तो इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों तरफ, समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये नहीं कि अपने आप ही चक्कर चलाई जाना है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग गड़बड़ी के बातें हैं, परमेश्वर बात कैसे करता है? पौलुस जब अंधा हो गया और समय में उसके पास एक स्वर्दूत के रूप में ड्रीम में एक पास्टर के पास गया और उसको जाकर कहा, करा यहाँ पर एक सीधी गली है और वहां पर एक आदमी रहता है, और उसको जाकर कहता है कि वहां पर उसके सिर पर हाथ रख और पौलुस चंगा हो जाएगा। और सेम बात पौलुस से किया कि एक आदमी आएगा, तेरे सिर पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। अगर सेम बात है तो समझ जाओ, नहीं तो
वो कह रहा है गड़बड़ी का है। अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ी चल रही है, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, आपके बच्चों में गड़बड़ी चल रही है, वो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आपकी पत्नी में गड़बड़ी चल रही है, आपकी फैमिली में गड़बड़ी चल रही है, तो इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है आपको। आपको अगर आप अपना आत्मिक जीवन चेक कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में मैं कह रहा हूं कोई माइकलाल गड़बड़ी नहीं कर सकता, गड़बड़ी भाग रही है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें कहो कि वो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जाए आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चों से भाग जाए आज, वो गड़बड़ी का आत्मा मेरे फाइनेंस से भाग जाए आज, मेरी कलीसिया से, मेरी सेवकाई से, मेरे रिश्ते से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रिश्तों में से मैं कह रहा हूं वो गड़बड़ी का आत्मा भाग रहा आज, आमीन, गायब हो जाए आपकी जिंदगियों में से। खुदावन आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला, आपको पहले की तरह, आपको पहले की तरह आशीषित करने वाला चर्च, आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था अहाब राजा, बाइबल में आपको बताएं, उसकी पत्नी जबेल, वो अपनी पत्नी की बात सुनता था। कितने लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। जो ज्यादातर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते हैं। औरतें हंस रही है मेरे ऊपर। ज्यादातर मैंने कहा, क्योंकि हेड आप हैं, परमेश्वर ने कहा हेड तू है, समझ गए कि नहीं, हेड तू है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे नहीं हैं, तो आपकी पत्नी अगर प्रार्थना करने वाली है फिर उसकी सुनना, सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये इजबेल अपनी पत्नी की सुनता था, और उसकी पत्नी कहती थी जा उसकी जमीन ले ले, वो उसकी जमीन ले लिया करता था। कहता जा इसको मार दे, वो उसको मार दिया करता था। मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वो कहता था इसको मार दे। बहुत नबियों को उसने मार दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम डाला। और एक दिन कह रहा क्या हुआ, अचानक किसी ने तीर चलाया हवा में और वो तीर जाके उसको लग गया ठस अहाब को, क्योंकि उसने प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद उसका आत्मिक जीवन सही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब तक आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। मेरे पास एक गवाही है कि एक लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, डेली चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति होगी है, लेकिन कह रहा आपके जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, आपके करेक्टर में, चरित्र में भी उन्नति होनी चाहिए। और क्या हुआ, जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था बुलेट पर, तो रास्ते में उसके पास से एक ट्रक निकला और वो उसका पटाखा बज गया, पटाक, और पटाखा बजा, पता नहीं टायर का क्या हिस्सा उसकी मोटरसाइकिल के सामने आया और वो कलाबातियां खाकर एक्सीडेंट में मर गया वो मसीह व्यक्ति। और बाद में पता लगा कि उसकी असलियत पता लगी कि उसने शराब पिया हुआ था। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया, कहता कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। कहता अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन जीने का आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम धूप में चलोगे, वचन आपके साथ काम करेगा। तुम नदी में चलोगे, कोई नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में चलोगे, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। अरे लिखा के नहीं, लिखा के नहीं, वो वचन आपके लिए क्यों नहीं पूरा होता? उन लोगों के लिए पूरा होता है जो भक्ति करना जान गए आज, स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना जान गए आज, आज अपनी आत्मा के लेवल में चलना जान गए आज। ये नहीं कि आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं, और कह रहे हैं यहां पर आकर पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे तो तंबाकू नहीं छोड़ता। बस एक दिन हवा में तीर चलेगा और पता नहीं कहां चले जाओगे, अटकल वाला तीर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहते हैं आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जीवन को ठीक नहीं करोगे, कोई माइका लाल आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। कोई अगर ठीक कर सकता है डॉक्टर, 10 दिन के बाद फिर बीमार हो सकते हो, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? कह रहा समस्याएं बढ़ती हैं। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता आप की थाली में राजा वाला खाना आएगा चर्च। आमीन। करा आप हैं वो जीवन में, करा कि आपके सब कुछ मैनेज होने लगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। सुनो, पहले मुझे लोगों के घर जाना पड़ता था बुलाने के लिए संडे को। पहले मैं लोगों को फोन करता था, बहन जी जरूर आना मेरे चर्च में, मेरे चर्च में जरूर आना। और वो बहन जी इतनी निकम्मी थी, वो आती नहीं थी। हाँ, जब मैं हरियाणा में सेवा शुरू किया तो मैं लोगों के घर जाता था। मैंने कहा आपका बुखार उतर गया था ना मेरी प्रार्थना से, आपका बच्चा विदेश चला गया ना? कहती हाँ चला गया। मैं कहा बहन जी जरूर आना, जरूर आना। कहती जरूर आवे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको ना ब्याह में नोता दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा जैसे बर्थडे में बुला रहे हैं। और आजकल पता है, पहले तो लोग ब्याह में बिन बुलाए भी चले जाते, आजकल टाइम नहीं किसी के पास, ब्याह में जाते नहीं है लोग। आजकल तो बस दूर से ही सगन भेज देते हैं फोन पे, ये लो जी
2000 का नोट, फोन पे भेज रहे हैं फोटो खींच कर, किसी ने मुझे भेज दिया मेरे बच्चे के बर्थडे पे, जब उसके बच्चे का बर्थडे आया मैंने भी भेज दिया उसको। मैंने कहा ये दे, कहता ये क्या है। मैंने कहा जो तूने दिया था वो मैंने दे दिया। आपको समझना है, कहता है कि उस समय मैं उसको हाथ उड़ा उड़ा के बता, आज 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 लोग क्या करते हैं, दुकान खोल लिए, ब्यूटी पार्लर खोल लिया अपने गांव में, चूड़ माजरा गांव में ब्यूटी पार्लर है, एक नालपुरा में ब्यूटी पार्लर है, और वहां पर दुकान में देखो सवेरे से कोई है ही नहीं, अपने मुंह पे लिपस्टिक पाउडर लगाई जा रही है ही नहीं कोई, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। पकड़ पकड़ के बुलाती है, हेलो हेलो मेरा बिजनेस इधर, हेलो 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 आओ। अब जिस दिन मैंने अपने आत्मिक जीवन को ठीक किया, आप समझ रहे हैं, आपकी गवाही बता रहा हूं, उस दिन के बाद मुझे बुलाना नहीं पड़ा, लोग कहां कहां से घुमा के परमेश्वर लेकर आता है। आज मुझे जाना नहीं पड़ता, आज लोग एड्रेस ढूंढकर उनके घर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, जा किसी को सपना दिखाता हूं, कहती मेरे को सपना आया, कोई बजिंदर सिंह है, सपना आता है। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर आपने अपना आत्मिक लेवल ठीक कर लिया, अपना जीवन ठीक कर लिया, आपको सपना आएगा, आपको स्वर्गदूत कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके आसपास मैनेज करने वाले स्वर्गदूत, आपकी ग्राहकों की लाइन लगी होगी, ग्राहकों की लाइन लगी होगी आपके आसपास। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक जगह बाइबल में देख रहा था, नीति वचन में कह रहा है कि लिखा कह रहा है ग्राहकों को यहोवा भेजता है, यहोवा कौन भेजता है, कह रहा यहोवा भेजता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कितने लोग चाहते हैं कि हमें खुद जाकर ग्राहकों को बुलाना पड़े, कितने लोग चाहते हैं, आज चाहते हैं आप बुलाओगे, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेजना स्टार्ट करूंगा आज से आपकी दुकान पर। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना है, पवित्र आत्मा ग्राहकों को भेजता है, आपके पास कस्टमर भेजेगा, आपकी लाइफ में ऐसे एंजल उतरेंगे जो डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ को मेंटेन करेंगे, आपके हेल्थ में डॉक्टर को भेजेगा, ऐसे डॉक्टर को भेजेगा जो आपका ऑपरेशन किए बिना आपको चंगा करके जाएगा गोली लेकर। मैं कह रहा हूँ आपको मैनेज करना जानता है परमेश्वर, आपको मैनेज करने के लिए हर संडे यहाँ पर बुलाता है। मेरे को कितने साल हो गए लोगों को मैनेज करते करते, हेलो भाई साहब पाप ना करो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता हमारा काम है बोना, हमारा काम है किसान की तरफ बीज फेंकना, फलवंत करना उसका काम है, आपने आपने सिर्फ कोशिश करनी है, और उसके बाद हाथ उठा के प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी हजूरी में रहूं, तेरे हाथ के नीचे रहूं, तेरी आंखों में रहूं परमेश्वर, तेरे कैमरे में रहूं मैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर हर पाप से, हर शैतान की चाल से बचाकर रखेगा, आपको बचाकर रखेगा। अगर आप कहते हैं परमेश्वर तू मुझे वो बना, परमेश्वर तू मेरा आत्मिक लेवल ठीक कर, तू मेरी प्रार्थना को ठीक कर, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको दिया है, शर्त रखी है उसने कहा तू ये काम कर, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। अगर तू मेरे लिए ये काम करता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अपने आत्मिक लेवल को ठीक कर लो। मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता अगर आपने ठीक कर लिया, कोई लड़की यहां पर ऐसी है जो आज भी अपनी मां को धोखा दे रही है, कोई लड़का यहां पर ऐसा है आज भी अपने बाप को धोखा दे रहा है आज भी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर को धोखा दे रहे हैं, चढ़ जाते हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपका टांका जुड़ा हुआ है, सुन रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। कपड़े फटे होंगे आपके, बुरा हाल होगा, आप मांग रहे होंगे इधर उधर, लोगों से पैसा मांग रहे होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने टुकड़े मांगने के लिए पैदा नहीं किया आपको। पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। इतना फाइनेंस में मजबूत हो जाओगे आज के बाद। आपको अपने अपने लेवल को ठीक करना है, अपनी यादाश्त को आज अपनी फिर से याद करो कि आप कहां पर हो। दाऊद क्यों राजा बना, दाऊद हमेशा डेली ये सोचता था मैं किस लेवल पर हूं, मैं आत्मिकता में किस लेवल पर हूँ। आप हमेशा जब दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो पूछते हैं तू तेरा बिजनेस कौन से लेवल पर है, जब दो पास्टर बैठते हैं तो पूछते हैं तेरी चर्च कितने बड़े लेवल पर है, लेकिन याद रखना जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं इसमें आत्मिकता में कितने लेवल पर हूँ। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं। अगर आपका आत्मिक लेवल ऊँचा हो गया, मैं कह रहा हूँ कोई माई का लाल आपके बिजनेस से ऊपर नहीं जा सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वो करेगा आपके लिए जो किसी ने नहीं किया होगा। आज रात के बाद कहता है आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ मेरे पेट खराब हो जाता है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद आपके पेट को मैनेज करेगा। आप जो मर्जी खाओ मैनेज होगा अंदर,
आप खाते हो किडनी कभी कुछ कभी कुछ करें कि अरे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग जो मर्जी खाओ, यहाँ गंदे नाले में पानी पी रहा था, करें कि एक भी किडनी खराब नहीं, डॉक्टर आज डॉक्टर से पूछ के देखो गंदे नाले का पानी पी सकते हो, डॉक्टर कहे तेरा दिमाग खराब है, बिस्लेरी पियो, बिस्लेरी पियो, बंद बोतल पियो, फलाना पियो, लेकिन कह रहा है जो मर्जी पियो। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर हो ना हो, तुम्हारे ससुर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ अंदर मैनेज होगा आज। आमीन। आपके पेट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, हर चीज मैनेज होगी, मैनेज। आमीन। आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर जाओगे आज के बाद वचन सुनने के बाद, कुछ लोग मुझे यहाँ पर गवाहियां देंगे जिन्होंने अपने मन में फैसला लिया है। आप जाओगे आपके घर में खुशखबरी की खबर आएगी, मैनेज हुआ पड़ा होगा, गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपका जीवन, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगी यीशु मसीह के नाम में। योना के बारे में हम देखते हैं कि योना को कितना कठोर आदमी था। योना को उसको उठाकर कह रहा है योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा निनवे के लोगों को सुसमाचार सुना, लेकिन वो इतना ढीठ था, वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, और जाकर एक नाव में बैठ गया। और नाव में जब वो बैठा, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहा हूं मैं योना के, तो उसी समय जब वो उसके नाव में बैठ गया, तो उसी समय नाव में एक तूफान कब आया, उसने सोचा, कह रहा कि ऐसे ही परमेश्वर ने उसको कहा होगा कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में तूफान ले आऊंगा, समस्याएं ले आऊंगा, संकट में डाल दूंगा, उसको कहा होगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, इतना कठोर आदमी था। और उसके बाद क्या कर रहा है वो उसी समय नाव में बैठा है, लेकिन नाव में बैठने के बाद भी नहीं मान रहा, कह रहा है पास्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे परमेश्वर तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई तूफान नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, जितने मर्जी पाप करो, जो मर्जी रास लीला कमाओ, जो मर्जी करो खुल्लम खुल्ला, कह रहा है गांव और खुल्लम खुल्ला, जो मर्जी नाओ, जो मर्जी करो भाई साहब, जो मर्जी शराब पियो, सोच रहा होगा ऐसा। लेकिन उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने कब तूफान लाया, कहता है कि जब वो टिकट लेकर, मैं कह रहा हूँ जहाज में स्लीपर की टिकट लेकर या फिर बढ़िया वाली सीट लेकर सो रहा था, कब आया, जब बिल्कुल बीच में चला गया, मतलब कि वापिस भी ना जा सके जहाज वो, परमेश्वर कब लेकर आया, कहीं ऐसा ना हो मैं रस्ते में कर दूं और तो वो फटाफट जब घर से निकलने लगो, गाड़ी जब खराब हो जाए तो आप घर दूसरी गाड़ी चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूर निकल जाते हैं तो रस्ते में खड़े हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। रास्ते में गया और उसी समय जहाज खराब हो गया और उसी समय तूफान आ गया, और उन्होंने तूफान में उसी समय लोगों ने उठाकर अपने सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन वो कह रहे तूफान तब भी खत्म नहीं हो रहा है, नाव फिर भी हिल रही है, उन्होंने चिट्ठियां डाली तो वो चिट्ठियां योना के नाम पर निकली। उसने कहा रे भाई तूने क्या किया है, तेरा आत्मिक जीवन सही नहीं लग रहा है। बोलता मैं परमेश्वर की बात मानने के लिए करा भाग आया हूँ वहां से। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं उनकी जीवन में गड़बड़ी रहती है, उनके हेल्थ में गड़बड़ी रहती है, उनके विचारों में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों में, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है। और ये आदमी गड़बड़ी में था और इतना कठोर था, उन्होंने उठाकर उसको कहता है ये गड़बड़ी कैसे खत्म हुई, कहता है कि तुम्हारे ऊपर से तूफान खत्म हो जाएगा, मुझे पानी में डाल दो, और उन्होंने पानी में डाल दिया उसको, और पानी में डाला, मछली के मुंह में चला गया, एक वेल मछली ने उसको मुंह में डाल दिया और 3 दिन पेट में रहा। और देखो कितना कठोर आदमी है, 2 दिन तक माफी नहीं मांगी परमेश्वर से, वहीं मजे ले रहा है पेट में ही मजे ले रहा है। और तीसरे दिन देखो क्या लिखा 2:9 में, तीसरे दिन क्या कह रहा, कहता परमेश्वर, कहता ऊंचे शब्द से कहता है परमेश्वर मैं तेरी बातों को माना करूंगा, मैं मरने वाला हूं मुझे बचा ले आज, कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मनते मानूंगा, करा तेरी जो तू कहेगा वो तेरी बातों को पूरा करूंगा, उद्धार करा मैं जान गया हूं तुझसे ही है परमेश्वर, तुझसे ही है, तू ही मेरा घराना फिर से आशीषित कर सकता है, मुझे जीवन दे सकता है। रोने लगा है, चिल्लाने लगा है, और बाइबल बोलती है कि अगले वचन में लिखा कि मछली ने, करा कि उस मच्छ ने उसको उगल दिया। हालेलुया, क्या किया, सारे बोलो उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब, कह रहा जब इसने पश्चाताप किया। याद रखना अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, हो सकता है आपका पैसा किसी ने खा लिया हो, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने दबा लिया हो, आप शैतान ने आपकी किडनी, आपका लीवर खा लिया हो, आपका सब कुछ छीन लिया हो आपके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा आज हाथ उठाकर पश्चाताप करना, पवित्र आत्मा कह रहा आज सब कुछ उगल देगा, निकलवाएगा शैतान के मुंह से, निकलवाएगा उन लोगों के मुंह से जिसने आपकी प्रॉपर्टी को खा लिया, जिसने आपके पैसे को खा लिया, जिसने आपके बिजनेस को खा लिया है। मैं कह रहा हूं वो उगलेगा आज, पार आएगा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं आज इसी समय, कर आपका सब कुछ खत्म।
खत्म हो गया होगा, लेकिन आज आपको आत्मिक लेवल अपना सही करना है। अगर आज आप कह रहे हैं मेरे साथ हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपने आत्मिक लेवल को सही करता हूं, परमेश्वर मैं आज मनसे की तरह जो मैंने बुराइयां की है, मैंने पाप किए हैं, पवित्र आत्मा जी तू मुझे फिर से आज आबाद कर दे, पवित्र आत्मा आबाद कर दे। आज मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन लोगों ने कोई भी गुनाह किया हो, आज कोई भी गलती की हो, अगर ये अपने जीवन में ठीक कर रहे हैं, अपनी आत्मिक लेवल में चलने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आज से इनकी आशीषें फिर से उगल दे। आज आपके पास मैं कह रहा हूँ वो कनाडा वीजा के पीआर की आशीष उगल दे, आज जॉब की आशीष उगल दे, आज आपके लीवर में चंगाई उगले, आज आपके किडनियों में चंगाई उगले, आज आपके घर में से लड़ाई झगड़ा दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम जाए, आज कर दे शैतान भाग जाए, आपके घर में धन की आशीषें उगले आज। आमीन। याद रखना ये भविष्यवाणी है, आपके लिए बड़े बड़े बिजनेस उगल दिए आज। आमीन। जो आपको लग रहा था एक शैतान ने खा लिया है, मैं कह रहा हूँ कि वो मच्छ बन के खा लिया होगा आपका सब कुछ। करा इस साल के अंदर अगर आप सही मिले परमेश्वर को, करा कि सब कुछ उगलवाएगा, सब कुछ। हालेलुया। पुलिस वाले चोर से डंडे से उगलवाते हैं, उछलन से पीछे खड़े हैं, सारे बोलो हालेलुया। उगलवाते हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर जब उगलवाता है जब आप पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, मैं कह रहा हूँ कि जो बांझे बहने आपके लिए करा के मुँह खोल दिया है, उगल रहा है बच्चा, आपकी झोली में आ रहा है। आमीन बोलने वाले, आपके रिश्ते में तड़वाक हो गया, कड़वाहट हो गया, तलाक हो गया, पति लेने नहीं आ रहा है, आप घर पर बैठी हो, ये भविष्यवाणी है उनके लिए कि आज रात कहता है वो उगलेगा, वो उगलेगा आज। वो आपका पति को जिसने पकड़ रखा है वो वापिस आएगा लेने के लिए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलनी स्टार्ट होंगी, जिन पर कोर्ट केस चल रहा है, आज के बाद कोर्ट केस खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, हो सकता है पाप करने के कारण, खुदा से दूर चले जाने के कारण आपने अपनी हेल्थ को खो दिया हो, आपकी हेल्थ चली गई हो, आपकी अच्छा स्वास्थ्य चला गया, आपका पैसा चला गया हो, आपकी नौकरी चली गई हो, आपकी प्रमोशन रुक गई हो, आपका सोच भी ठीक ना हो, आपका कोई जेल में पड़ा हो। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, जिन्होंने हाथ उठाए हैं, या आप चर्च जाते हैं, बच्चे प्रभु को नहीं मानते, आपसे दूर हैं, विश्वास करो आज नजदीक आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता छोटी बात में खराब हो जाता है, फिर से ठीक होने के लिए जा रहा है, जो जेल में है वो छूटने के लिए जा रहे हैं, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, जो बीमार है वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं, जो कर्जे में है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने आत्मिक लेवल को में चलना सीख लिया है, मेंटेन करना सीख लिया है, स्टैंडर्ड को बनाना सीख लिया है, कि मैं अपने करैक्टर में गाली नहीं दूंगा, मैं अब अपने करैक्टर में कभी शराब के ठेके पर नहीं बैठूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड दिखाया, पवित्र आत्मा आज रात आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, ऊंचा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग मस्जिद गाड़ी में आया करेंगे चर्च में, आपसे टूटी मूर्ति में नहीं आओगे आज के बाद, अपने पड़ोसी को टूटी हुई मोटरसाइकिल पे नहीं आना। सारे बोले हालेलुया। क्या आप टूटी हुई मोटरसाइकिल पे आना चाहते हो? आप कहते हैं किसी भी औरत से पूछ लो आपके पास बड़ी गाड़ी है? नहीं जी, साढ़ा घर वाला करता ही कुछ नहीं है। अरे वो अगर करता कुछ नहीं, आप मैनेज करो अपने आप को। अगर आपने मैनेज किया, आपके घर वाले के पास बहुत पैसा होगा इस समय। आमीन। आप मैनेज करो अपने आप को। आप अपने आप को अगर मैनेज करना सीख गए हो, अपने आत्मिक जीवन को जीना सीख गए हो, मैं कह रहा हूँ प्रभु मैं आत्मिक जीवन ठीक करूंगा, अगर आप कह रहे हो तो आपकी उन्नति होगी। बाइबल में कहती है कि उन्नति होगी, उन्नति आपकी तरक्की होगी, हर क्षेत्र में तरक्की होगी, हर एरिए में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में 21 दिन में बहुत खुशियां देखने वाले हो तुम यीशु मसीह के नाम। क्या आपको मजाक लग रहा है? सही लग रहा है? एक भविष्यता की बात आपको पूरे 7 दिन से पहले पता लगेगा। जिन्होंने इस बात को देखो, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आप नहीं करना, मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर अगर मैं तेरा सच्चा दास हूँ और अगर किसी ने समर्पण किया सच्चा, तो उन्हें 6 दिन के अंदर एक बड़ी से बड़ी गवाहियाँ दिखा यीशु मसीह के नाम। क्योंकि पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्गदूत मैनेज करते हैं। यीशु मसीह ने जिस दिन अपने करेक्टर को सही रखा जंगल में 40 उपवासों में,
तो उसके बाद लिखा, आप पढ़ते हो चौथा अध्याय मत्ती का, उसके 11 में लिखा, उस दिन के बाद जब उसके उपवास खत्म हुए, जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, जब उसकी आत्मिक लाइफ को चेक किया, कहता है परमेश्वर ने उस दिन के बाद उसकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत को भेजना शुरू किया। उसके आसपास उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत थे। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे कहीं कमाने नहीं जाना पड़ता। आप कहते हैं हाँ आप तो प्रार्थना करने वाले हो, कोई भी दे देगा। अरे पहले बहुत मांगता था, देता ही कोई नहीं था। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब तक, अरे भाई कुछ बंदे के अंदर होगा जब ही दोगे तुम, मुझे पता है। बंदे के अंदर कुछ नहीं होगा तो नहीं दोगे। चमत्कार को नमस्कार है कि नहीं? कहता है तुम्हारे अंदर आज वो पावर आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अरे जहां जाओगे पैर रखोगे वो इलाका धनी हो जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी बिजनेस चलने लगेगा, तुम्हारा भी चलने लगेगा, हर आशीष खुल जाएगी। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलने वालों की आशीष खुल रही है। हालेलुया। खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है लाइफ में? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है मुझे बताओ? बढ़िया दोस्त है कोई आपका? आप खुद बनिए दोस्त है। जिनका दोस्त बनिए वो तरक्की करते हैं। अब देखो, कहते हैं कि मसीह लोग जिनके साथ है वो तरक्की करते हैं। मैंने कहा जो बनिए वो भी तरक्की करते हैं। सुनो, क्योंकि बनिए की फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म उसकी? क्या है फुल फॉर्म उसकी? कह रहा बनिए की फुल फॉर्म है खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। हालेलुया। समझ में आया बात? तो प्रचारक लोग क्यों, प्रॉफिट लोग क्यों तरक्की करते हैं? कहता वो दूसरों की भविष्यवाणी करते हैं, खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात? मसीह लोग जिस दिन ये भाषा सीख गए कि दूसरों का भी भला करो, खुद का भी भला अपने आप हो जाएगा, कहते हैं खुद भी बनो दूसरों को भी बनाओ। अगर आपने सीख लिया, कहते हैं परमेश्वर आज के बाद आपको कहीं पर भी जीरो नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को चेक कर आज। परमेश्वर तेरे बैंक बैलेंस को चेक करेगा आज। विश्वास करना है। मैं समय उन लोगों के लिए, अपने अकाउंट्स उठाओ, देखो आज मेरी प्रार्थना से क्या होने वाला। अपना पर्स उठाओ, निकालो बाहर अपना एटीएम कार्ड। आपको लग रहा है हल्के में लग रहा है पादरी है? कितनों को हल्के में लग रहा है? जिनको हल्के में लग रहा है एक बार बाय बाय करके दिखाओ।